हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, यानी ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम IGR की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, जैसे कि अबाउट द मॉड्यूल, यहाँ पर कैसे एग्रीमेंट आपका प्रिपेयर होगा वगैरह, इसके बारे में लिखा हुआ है, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद में यहाँ पर दिया हुआ है आपको हार्डवेयर क्या क्या लगेंगे, जैसे कि बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए, थंब स्कैनर। थंब स्कैनर दोस्तों आप लोग लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेक्यूजेन कंपनी का लेंगे, बाकी दूसरी कोई कंपनी का इसमें चलने वाला नहीं है। सेकेंडली आपको वेबकैम लेना है एक। अगर आप वेबकैम ले रहे हो तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम 720p क्वालिटी का आप वेबकैम लो, ताकि फोटो अच्छी क्लियर आए और आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं हो। और थर्ड है गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज चाहिए, समय और PC में रहता है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास लैपटॉप ले, ताकि अगर आपको किसी क्लाइंट के घर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इजीली अपना लैपटॉप कैरी करके वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आपके पास में PC होगा तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते हो, तो एक डिसएडवांटेज है PC का, इसलिए आप लैपटॉप कैरी कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले चेक स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस एंड आधार, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन अगर कोई पूछता है कि कितना आपको चार्जेस लगेगा, कितना आपको पेमेंट भरने का आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कुछ डिटेल्स हमको भरनी होगी, जैसे कि सबसे पहले पीरियड पूछ रहा है कितने पीरियड के लिए है, तो 11 मंथ के लिए मैं डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर डेट चूज करना है कब से हमको एग्रीमेंट बनाना है, यहाँ पे 1st ऑफ मई सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिपॉजिट कितना है रिफंडेबल, यहाँ पर मैं 5 लाख रुपीज़ एंटर कर देता हूँ। अगर आपको नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो आपको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर मेरा रिफंडेबल डिपॉजिट है तो मैं यहाँ फिक्स कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको रेंट कितना है वो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर मैं 100 रुपीज़ डाल देता हूँ। यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज़ आ गया है और स्टैम्प ड्यूटी फीस 117.30 रुपीज़ आ गया, यानी टोटल मुझे 1118 रुपीज़ पे करना है। ये जो भी यहाँ पर डेसिबल में लिखा रहता है आपको उसको राउंड फिगर कर लेना है, ठीक है, कम नहीं भरना है, ज़्यादा भरना है आपको। और यहाँ पर रेंट में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर फिक्स रेंट लिखा हुआ है, यानी पूरा 11 मंथ के लिए फिक्स ही रहेगा 100 रुपीज़। अगर आपको वेरिएबल रेंट डालना है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जैसा 1st मंथ टू 3 मंथ मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ रेंट दूंगा, तो मैं यहाँ 100 रुपीज़ डाल देता हूँ। इसके बाद में 4th मंथ से लेके 7 मंथ तक मैं यहाँ पर 200 रुपीज़ दूंगा, तो यहाँ 200 रुपीज़ डाल देता हूँ। और 8 मंथ से लेके लास्ट 11 मंथ तक मैं यहाँ पर 300 रुपीज़ दूंगा, तो यहाँ पर 300 रुपीज़ डाल देता हूँ। और यहाँ पे कैलकुलेट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा सा बढ़ गया है, 120.30 हो गया, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना है आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस, ताकि आप एग्जैक्ट फिगर अपने क्लाइंट्स को बता सको। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, SRO आप सिलेक्ट करते हैं ग्रास की वेबसाइट पे पेमेंट करने के लिए, तो वो कैसे चेक करना है कि कौन से SRO को आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर देखिए इसके नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया है चेक SRO फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मेरा मुंबई सब अर्बन है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में तालुका सेलेक्ट करना है, तालुका बोरीवली है, वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में विलेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं विलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे SRO की लिस्ट आ चुकी है, इसमें से मैं किसी एक SRO को चूज करके अपना पेमेंट कर सकता हूँ। मैं आपका जो भी एरिया है, जो भी तालुका, जो भी विलेज रहेगा, आप सेलेक्ट करने के बाद में आपको SRO की लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी, तो क्लोज कर देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, अब मेन पॉइंट पर आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर न्यू एंट्री दिख रहा है आपको, न्यू एंट्री पे जाना है। यहाँ पर न्यू एंट्री पे जाने के बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता दूंगा कैसे आपको पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए जिसमें से, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए।
और सेम पासवर्ड आपको यहाँ नीचे रिपीट करना है, कंफर्म पासवर्ड में डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर नीचे हमें कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा लोड लेने के बाद यहाँ पर हमें एक नया पेज ओपन होगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर हमें पूछेगा आपका पुराना एग्रीमेंट में से कोई डिटेल निकालना है क्या, जैसे कि सेल एग्रीमेंट आपने बनाया होगा पहले, या आपने पहले लीव एंड लाइसेंस रजिस्टर किया होगा उसमें से कोई डिटेल लेना है। अगर लेना है तो यस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ई रजिस्ट्रेशन का और रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन जो सेल एग्रीमेंट आपका होता है वो, और ई रजिस्ट्रेशन जो आपका भाड़े का होता है। यहाँ पर से आपको सब रजिस्टर्ड ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने पहले डॉक्यूमेंट में देखोगे, प्रीवियस डॉक्यूमेंट में, तो आपका बीआरएल नंबर या जो जहाँ से हुआ है बीडीआर, ये एरिया कोड है, बोरीवली का बीआरएल है। तो आपको जो प्रीवियस आपके एग्रीमेंट में देखोगे वो आपको बीआरएल आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, ये भी आपको अपने प्रीवियस एग्रीमेंट में मिल जाएगा। और यहाँ पर ईयर डालना है कब आपका एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ है। और आपको इंपोर्ट डेटा पे क्लिक कर लेना है। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा डेटा पहले का आ जाएगा। मुझे यहाँ पर नया डिटेल डालना है, पुराना डेटा नहीं लेना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तालुका सेलेक्ट करेंगे, मेरा तालुका बोरीवली है। विलेज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, विलेज सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी एरिया कैसा है आपका, अर्बन है या रूरल है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा अर्बन है, अर्बन पे सिलेक्ट रहने दूंगा। लोकल लिमिट टाइप पे कॉरपोरेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लोकल लिमिट नेम मुंबई सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पर एट्रीब्यूट वन में या एट्रीब्यूट टू, दो में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है आपको। एट्रीब्यूट वन कंपलसरी है, तो एट्रीब्यूट वन में हम यहाँ पर सर्वे नंबर है हमारे पास, सर्वे नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ यूनिट पे सिलेक्ट करेंगे, आपको किस जगह का आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो अपार्टमेंट है, फ्लैट है, गोडाउन है, लैंड या बिल्डिंग या शेड है, या ऑफिस है या शॉप है। तो मैं भी करने वाला हूँ रूम का, तो यानी फ्लैट पे मैं सिलेक्ट करूँगा। फ्लैट पे सिलेक्ट करने के बाद एरिया कितना है, यहाँ एरिया डालना है। तो मैं यहाँ पर 320 स्क्वायर फीट डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर बिल्डिंग नेम पूछ रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग नेम डाल देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर फ्लैट नंबर डालना है, फ्लैट नंबर आप डाल दो। उसके बाद में फ्लोर नंबर डालना है, यहाँ पर आप फ्लोर डाल दो। यहाँ पर रोड पूछ रहा है, यहाँ पर आपको रोड का नाम डालना है। यहाँ लोकेशन पूछ रहा है किस एरिया का है, तो यहाँ पर आपको लोकेशन टाइप करना है, लोकेशन विथ पिन कोड। यहाँ पर आपने जितना भी इंग्लिश में टाइप किया है ऑटोमेटिक यहाँ पर मराठी में टाइप हो गया है। यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर जनरेट हुआ है, ये टोकन नंबर आपको कहीं पर भी लिख कर रख लेना है, ताकि आपका कभी लॉग आउट हो तो आपको पूरा डिटेल आपको फिर से भरना नहीं पड़े। और आपने जो पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड आप वो भी लिख लीजिए, ताकि आप फिर से लॉग इन करके आपका डिटेल तुरंत आपको मिल जाए और इसके आगे का आप प्रोसीजर प्रोसीड कर सको। अब मेरा इतना होने के बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। नेक्स्ट पार्टी डिटेल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर पार्टी टाइप में सबसे पहले यहाँ पर ओनर को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मुझे अभी ओनर का डिटेल डालना है। पार्टी आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करूँगा, अगर प्रोपराइटर है कोई तो प्रोपराइटर डालना पड़ेगा। कंपनी के लिए बन रहा है पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर से आप दूसरा भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा यहाँ पर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर पार्टी का सरनेम डालेंगे पहले, सरनेम डालने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पर मिडिल नेम डालना है,
यहाँ पर हमारा नाम डालकर हो गया है, अब यहाँ पर एज पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपने क्लाइंट का एज डालना है हमें। एज डालने के बाद यहाँ पर उनका जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फीमेल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सैल्यूटेशन आया है, सैल्यूटेशन में मिसेज है, श्रीमती है, मिस है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैं मिसेज सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर ओनर का पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अगर आपके पास कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर आप डाल देंगे। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन में मैं हाउस वाइफ सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर बाजू में एक ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेटर, मैं हमेशा डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेटर ओनर को ही बनाता हूँ, यानी लाइसेंसर को बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर ये ओनर हमारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेटर हो गए हैं। अब यहाँ पर इनके रहने का एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हो, अगर अगर कोई अलग एड्रेस है इनका, अलग अलग जगह रहते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, या तो फिर आप रूम जो भाड़े पे दे रहे हो वही एड्रेस है, तो आप सेम एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बिल्डिंग नेम डालना है, बिल्डिंग नेम डालने के बाद यहाँ फ्लैट नंबर डालना है, यहाँ पर इसके नीचे फ्लोर नंबर डालना है, इसके नीचे रोड का नाम डालना है, रोड का नाम कंपलसरी है यहाँ पर। रोड नेम डालने के बाद में लोकेशन डालना है, लोकेशन भी कंपलसरी है। यहाँ पर लोकेशन में आपको पिन नंबर नहीं डालना है, पिन नंबर के लिए यहाँ पर अलग से कॉलम दिया हुआ है, पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पिन कोड आप डालोगे। पिन कोड डालते साथ यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पर आपको विलेज या सिटी सिर्फ टाइप करना है। इतना टाइप करने के बाद आप यहाँ नीचे देखोगे एग्जीक्यूटिंग में यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया हुआ है, सेल्फ अगर रूम आपके नाम पर है, ओनर के नाम पर है, तो सेल्फ में आप क्लिक करोगे। अगर ओनर जो है जिसके नाम पर लाइट बिल है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, किसी और कंट्री में है, किसी और स्टेट में है, उन्होंने अगर पावर दिया हुआ है अगर दूसरे ओनर को, तो यहाँ से आप थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी पे क्लिक करोगे, या फिर कोई अदर होगा तो अदर पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर हमें सेव पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करने के बाद पार्टी का डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड पार्टी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ऐड पार्टी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम पार्टी टाइप सेलेक्ट करेंगे, लाइसेंसी। अगर आपके पास दो ओनर है तो यहाँ पर भी आप फिर से आपको ओनर पे सिलेक्ट करके सेकेंड ओनर का डिटेल फिल करना है। अगर आपके पास दो ओनर नहीं है, सिर्फ एक ही ओनर है, तो यहाँ पर आप टेनेंट के डिटेल पे क्लिक करोगे। फिर तो टेनेंट इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे आप सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले यहाँ सरनेम डालोगे, सरनेम डालने के बाद यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पर मिडिल नेम डालना है। इसके बाद यहाँ नीचे हमें एज डालना है, एज डालने के बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सैल्यूटेशन आएगा, सैल्यूटेशन में मिसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर उनका पैन नंबर डालना है, अगर पैन नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर डालना है, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालना है। ये कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। इसके नीचे ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, ऑक्यूपेशन भी कंपलसरी नहीं है, मैं यहाँ पर हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेटर ओनर का नाम लिख के आ रहा है। फिर इसके नीचे यहाँ पर हमें इनका प्रीवियस एड्रेस डालना है, यहाँ पर हम रेंटल का प्रीवियस एड्रेस डाल देते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग का नाम पूछ रहा है, बिल्डिंग का नाम यहाँ डाल देंगे। इसके नीचे फ्लैट नंबर पूछ रहा है, फ्लैट नंबर डाल देंगे। फ्लोर नंबर पूछ रहा है, फ्लोर नंबर डाल देंगे। इसके नीचे रोड पूछ रहा है, तो यहाँ रोड का नाम डाल देंगे। रोड का नाम डालने के बाद यहाँ लोकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ लोकेशन डाल देंगे। लोकेशन डालने के बाद यहाँ पर पिन कोड पूछ रहा है, यहाँ पर पिन कोड हम डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फिर से आ गया है यहीं पर, तो हमें यहाँ पर विलेज या सिटी यहाँ पर ऐड करना है। बस यहाँ पर ये सब डालने के बाद यहाँ पर हम सेव पे क्लिक कर लेंगे।
दोनों पार्टी का डिटेल सेव हो चुका है। अब फिर से हम यहाँ पर ऐड पार्टी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ऐड पार्टी डिटेल्स क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आइडेंटिफायर पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास दो लाइसेंस ही है तो यहाँ पर आप फिर से लाइसेंस का डिटेल आप फिल कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है तो आपका काम हो चुका है। यहाँ पर आप आइडेंटिफायर पर क्लिक करोगे। आइडेंटिफायर मतलब विटनेस। आपको यहाँ पर दो विटनेस लगेंगे। सबसे पहला यहाँ पर ऑल पार्टीज पे सिलेक्ट कर लेंगे। विटनेस यानी दोनों पार्टी की तरफ से है। विटनेस का यहाँ पर सरनेम डालना है। सरनेम डालने के बाद यहाँ फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद यहाँ पर मिडल नेम डालना है। फिर यहाँ पर एज डाल देना है। एज डालने के बाद उनका पैन नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास तो आप वो डालोगे। उसके बाद में यहाँ पर बिल्डिंग नेम डाल दोगे आप। अगर बिल्डिंग नेम उनका अवेलेबल है, फ्लोर फ्लैट नंबर अवेलेबल है तो फ्लैट नंबर डालोगे। फ्लोर नंबर है वो डाल दोगे। यहाँ पर रोड कंपलसरी है तो यहाँ पर मैं रोड डाल देता हूँ। रोड का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद लोकेशन यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर लोकेशन डाल देंगे हम। लोकेशन डालने के बाद यहाँ पर हम पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ चुका है। यहाँ पर हमें सिर्फ विलेज या सिटी डालना है। इतना डालने के बाद यहाँ पर हम सेव पे क्लिक करेंगे। ये डिटेल सेव हो चुकी है। फिर से ऐड आइडेंटिफायर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड आइडेंटिफायर पे क्लिक हो चुका है। यहाँ पर फॉर विच पार्टी पूछ रहा है तो फिर से हम ऑल पार्टीज पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिफायर का डिटेल डालेंगे। यहाँ पर आइडेंटिफायर की एज डालेंगे। एज डालने के बाद पैन नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर अगर है तो यहाँ पर आप डालोगे, नहीं तो यहाँ पर बिल्डिंग नेम, इसके बाद फ्लैट नंबर, उसके बाद फ्लोर नंबर डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आप रोड का नेम डालोगे। रोड नेम के बाद यहाँ पर लोकेशन डालोगे आप। उसके बाद में यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सिर्फ विलेज और सिटी आप ऐड करोगे। विलेज टाइप करने के बाद यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करोगे। आपका पूरा डिटेल सेव हो चुका है। हमने यहाँ पर ओनर का डिटेल, टेनेंट का डिटेल और दो आइडेंटिफायर यानी विटनेस का डिटेल हमने यहाँ पे ऐड किया है और उसको सेव कर दिया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट रेंट एंड अदर टर्म्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लाइसेंस पीरियड पूछ रहा है कितने महीने के लिए आपको एग्रीमेंट बनाना है, तो यहाँ पर हम 11 मंथ टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में यहाँ पर कभी से आपको एग्रीमेंट बनाना है, यहाँ पर आप कैलेंडर का लोगो देख रहे हो वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं फर्स्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका एंड डेट आ गया है, एक्सपायरी डेट डेट ऑफ एग्रीमेंट का आ गया है यहाँ पर। इसके बाद में आपका डिपॉजिट रिफंडेबल है तो आपको यहाँ पर ऐड करना है, नॉन रिफंडेबल है तो यहाँ पर ऐड करना है। मेरा डिपॉजिट रिफंडेबल है तो यहाँ पर मैं डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ डाल देता हूँ। इसके बाद में एवरेज मंथली रेंट यहाँ पर पूछ रहा है। अगर फिक्स रेंट है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है, नहीं तो यहाँ पर वेरिएंट रेंट पे आपको सेलेक्ट करना है। वेरिएंट रेंट क्या होता है, जैसे कि आपको ओनर ने बोला है कि फर्स्ट 2 6 मंथ आप हम मुझे 4,000 रुपये भाड़ा दोगे, 6 मंथ से लेके आपको 11 मंथ तक आपको 4,500 देना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो आपको ऐड करना है। जैसे कि 1 मंथ से लेके आपको 6 मंथ यहाँ पर टाइप करना है और रेंट आपको फर्स्ट 2 6 मंथ 4,000 रुपये देना है तो यहाँ पर आप टाइप करोगे। फिर 7 मंथ से आपको 11 मंथ तक जो भाड़ा देना है वो यहाँ पर आप बाजू में यहाँ पर आप टाइप करोगे तो ये आपके एग्रीमेंट में मेंशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा फिक्स रेंट है तो मैं फिक्स रेंट पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अमाउंट 100 रुपीज़ एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद में स्टैम्प ड्यूटी मुझे दिखा रहा है 117.30 पैसा यहाँ पर मुझे पे करना है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी 1,000 रुपीज़ पे करना है। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर डेसिबल में जो अमाउंट दिखा रहा है आपको डेसिबल में पे नहीं करना है, उससे थोड़ा आपको ज़्यादा ही पे करना है। यानी हम यहाँ पर 1,118 रुपीज़ पे करेंगे, इससे कम आपको नहीं पे करना है, आपको ज़्यादा ही पे करना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस की डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही है। आप यहाँ पे नाउ ऊपर क्लिक करोगे,
यहाँ पर एक नया पोर्टल खुलेगा जो कि एक ग्रास वेबसाइट। आप यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड डाल के आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पर आपके सब चालान सेव हो जाएंगे। अगर आपको नहीं बनाना है अकाउंट, जैसे मैं डायरेक्टली पे कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी पे कर सकते हो। पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सिटीजन पे क्लिक करोगे। सिटीजन पे क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट ऑफ रजिस्टर योर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन एंड फी टुगेदर पे क्लिक करना है। अगर आपको सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी पे करना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन फी क्लिक कर पे करना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे। मुझे दोनों साथ में पे करना है इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, सॉरी रजिस्टर आपका कहाँ का है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपको कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट करना है, आपने उसी में से चूज करना है। यहाँ पर बोरीवली दिया हुआ है, बोरीवली में से कोई भी एक रजिस्ट्रार में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है वहाँ पर, यहाँ पर आप क्लिक कर लोगे। मेरा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है, 36A लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर लूंगा। इसके बाद में यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट कितना है वो डालना है। यहाँ पर आ जाएंगे, स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट हमारा है 117.30, यानी हम 118 रुपीज़ इसके लिए पे करेंगे। यहाँ पर 118 टाइप करना है। इसके नीचे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस पूछा है, तो रजिस्ट्रेशन फीस हमारी है 1000 रुपीज़, हम यहाँ पर 1000 रुपीज़ एंटर करेंगे। इतना डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपका टोटल वैल्यू हो गया है 1118 रुपीज़, जो आपको टोटल पे करना है। यहाँ पर आप नेम ऑफ पेयर डालेंगे। नेम ऑफ पेयर में यहाँ पर ओनर का नाम आएगा, तो हमें यहाँ पर ओनर का नाम एंटर कर देना है। नाम बराबर देख लेना है, नाम में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और डिटेल आपको प्रॉपरली फिल करना है यहाँ पर। इसके बाद में अगर ओनर का पैन कार्ड है तो यहाँ पैन नंबर आप डाल देंगे, कंपलसरी नहीं है लेकिन आपके पास अगर डिटेल है तो आप डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर ओनर का मोबाइल नंबर डालना है, जिस पे आपको जीआरएन नंबर जो जनरेट होगा वो आएगा। तो यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको SMS ये नंबर पर सेंड होएगा, प्लीज मेक श्योर कि आपने नंबर प्रॉपरली एंटर किया है। अब यहाँ पर आते हैं सेकंड पार्टी डिटेल्स पे, यानी हमको यहाँ पर जो रेंटल है, टेनेंट है, उसका डिटेल यहाँ पर हमको डालना है। डिटेल डालने के बाद यहाँ पर हमें टेनेंट का, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको पैन डिटेल यहाँ पर एंटर करना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टी का डिटेल ऐड करना है। डिटेल आप केयरफुली भरेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पर, वरना आपका डॉक्यूमेंट पूरा खराब हो जाएगा या डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तीनों लाइन हमारा फिल करके हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पर अब पिन कोड नंबर हम एंटर कर देंगे। पिन कोड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद यहाँ पेमेंट ऑप्शंस दिया हुआ है बहुत सारे। ई पेमेंट करना है आपको, यानी इंटरनेट बैंकिंग करना है, तो यहाँ पर बैंकों के नाम दिए हुए हैं, उन बैंकों के थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो। उसके बाद में पेमेंट अक्रॉस बैंक अकाउंट काउंटर पे, आप बैंक अकाउंट काउंटर पे जाके कैश या चेक की हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद में SBI ई पेमेंट का गेटवे दिया हुआ है, यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर UPI का ऑप्शन दिया हुआ है, तो UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो। मैं SBI ई पेमेंट्स गेटवे से यहाँ पर पेमेंट करूंगा।
हम यहाँ पर कैप्चा एंटर कर लेते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक चालान का ड्राफ्ट आपको शो करेगा, जो भी आपने डिटेल पे की डिटेल लिखा हुआ है और आपने जो पेमेंट किया हुआ है वो सारा दिखाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने डिटेल करेक्टली भरा है, तो आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जीआरएन नंबर शो करेगा, ये आपको कोई लिख के रख लेना है या तो फिर आपने जो नंबर डाला है ओनर का उसके नंबर पर आपको ये मैसेज के थ्रू आ जाएगा। आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए डिटेल पूछेगा, जैसे कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड से कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिटेल आप फिल करोगे, या फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग से आपको डिटेल पेमेंट करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंकों के नाम लिखे हुए, बहुत सारी बैंक है यहाँ पर। आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई से आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पे आप इंटर यूपीआई आईडी डालकर, आप यूपीआई आईडी डाल के आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर क्यूआर से भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर कोई वॉलेट से आप पेमेंट करना चाहते हो, या कोई आप सीएससी एजेंट हो तो आप सीएससी एजेंट भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब हम पेमेंट करेंगे डेबिट कार्ड से। एकदम प्रॉपरली आपका कार्ड डिटेल फिल होने के बाद में यहाँ पर एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सपायरी ईयर डाल देंगे। यहाँ पर अपना सीवीवी कोड डालेंगे जो कि आपके एटीएम कार्ड के पीछे बैक साइड में लिखा रहता है, और कार्ड होल्डर का यहाँ पर हमें नाम डालना है। इतना डिटेल फिल करने के बाद हमको पे नाउ का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद में थोड़ा सा लोड लेने के बाद यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पर ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा चालान जनरेट हो चुका है। दोस्तों, ग्रास की वेबसाइट पर पेमेंट करने के बाद अब हमको यहाँ पर अपना स्टैम्प रजिस्ट्रेशन जो हमने पे किया है उसका डिटेल ऐड करना है। सबसे पहले फी टाइप में यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, हमने स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी टुगेदर दोनों साथ में पे किया है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जीआरएन नंबर यहाँ को आपको डालना है जो आपको अपने मैसेज में आया है, ऐड कर देते हैं। जी आर एन डालने के बाद यहाँ जी आर एन अमाउंट हमने कितना पे किया है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद में इसके नीचे यहाँ पर कितनी तारीख को हमने जी आर एन अमाउंट पे किया है वो यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। अब इतना सब डिटेल डालने के बाद यहाँ पर हमें सेव पर क्लिक करना है। थोड़ा सा लोड लेने के बाद में यहाँ पर हमारी डिटेल आ जाएगी। डिटेल आने के बाद में स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन अमाउंट दोनों दिखाई देगा आपको। स्टैम्प ड्यूटी पे आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करोगे। थोड़ा सा लोड लेने के बाद यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन लिख कर आ जाएगा, सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जी आर एन नंबर इज वैलिड लिख कर आया है। अब सेम हम वही रजिस्ट्रेशन फीस पर सिलेक्ट करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा लोड लेने के बाद में यहाँ पर जी आर एन वैलिड लिख कर आया है। अब इसके नीचे आते हैं, नेम ऑफ फेयर में ओनर का नाम लिख के आएगा। डॉक्यूमेंट कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ का आपको डिटेल डालना है, जैसे कि मैं मुंबई के एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ मुंबई आएगा। अब यहाँ पर डिपॉजिट का आपका पेमेंट, डिपॉजिट का आपने कैसे दिया है वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर मैंने एक चेक का डिटेल ऐड कर चुका हूँ। इसके बाद में एक और मुझे चेक का डिटेल यहाँ पर ऐड करना है तो हमें यहाँ ऐड पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कौन से बैंक का चेक है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है।
ब्रांच नेम डालेंगे यहाँ पर, चेक नंबर डाल देंगे, चेक का डेट क्या है वो डाल देंगे यहाँ पर, और अमाउंट कितना है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ हम ऐड पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे, आपका पेमेंट यहाँ पर दोनों आ चुका है। अब हमारा 5,000 रुपये बच गया है, वो हम कैश में ऐड कर लेंगे यहाँ पर। ऐड पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेव पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक कर लेंगे। आपका तीनों डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है, यानी टोटल 4,60,000, 35,000 ये दो चेक है हमारे, यानी 495,000 अमाउंट हो गया है, और 5,000 जो हमारा बचा वो कैश में यहाँ पर आ गया है। इसके बाद यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन आपको सिलेक्ट करना है, 4.1 और 4.2 ये दोनों आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यू सिलेक्टेड टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी कितने लोगों ने आप यहाँ पर पे किया है, यहाँ से आप चाहे तो लाइसेंस भी डाल सकते हो, लाइसेंसर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लाइसेंस एंड लाइसेंसर इक्वली पे क्लिक करूंगा, यानी दोनों ने आधा आधा भरा है पेमेंट। अगर आपको कोई लॉग इन पीरियड डालना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग इन पीरियड के लिए, कितने महीने के लिए लॉग इन पीरियड, यानी कम से कम, जैसे कि आपको अगर रूम 6 महीने से पहले खाली नहीं करवाना है तो आप यहाँ पे 6 मंथ डाल दोगे। 6 महीने, 6 महीने से पहले ना तो ओनर खाली करवा सकता है रूम, या तो भाड़ोतरी भाड़ोतरी नहीं खाली कर सकता है रूम, 6 महीने से पहले नहीं खाली कर सकता, लॉक इन पीरियड इसको कहा जाता है। अगर कोई फर्नीचर एंड फिटिंग्स दे रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्या क्या साथ में चीजें हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम इस पर सिलेक्ट नहीं करेंगे। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करना है तो मिसलेनियस में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ द पार्टी पार्टीज वांट्स टू टर्मिनेट दिस एग्रीमेंट, बिफोर द एक्सपायरी डेट, देन इन सच केस पार्टीज हैव टू गिव 1 मंथ प्रायर नोटिस टू इच अदर। फॉर द अबाउ सेड रूम प्रीमाइसेस, अब यहां पर हम सेव पे क्लिक कर लेंगे, यहां पर डिटेल सेव हो चुकी है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमको नेक्स्ट एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपने जो पेमेंट किया है, पेमेंट का डिटेल लिख के आ रहा है, जीआरएन नंबर लिख के आ रहा है, इसके नीचे ये सैंपल ड्राफ्ट बना हुआ है, जो भी आपने डिटेल भरा है वो सब डिटेल यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आपका एग्रीमेंट किस तरीके से बन के आएगा सब डिटेल पूरी लिखी हुई है, एक बार ड्राफ्ट चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम इसमें आपको दिखती है या कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गया है तो आप बैक करके आपका एग्रीमेंट एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर सब डिटेल भरने के बाद में नीचे आएंगे, नीचे आकर यहाँ एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओनर के नाम के सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, कैप्चर थंब फोटो एंड थंब पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले ऊपर कैप्चर फोटो पे क्लिक करके यहाँ पर कैप्चर पे क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर कैप्चर थंब पे हमें जाना है। अब क्लाइंट को फिंगरप्रिंट डिवाइस पे अंगूठा रखने के लिए बोल देंगे या कोई उंगली रखने के लिए बोल देंगे, और हम यहाँ से कैप्चर पे क्लिक करेंगे। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर उनका अंगूठे का इमेज बन के आ जाएगा, हमें सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में फोटो के नीचे सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, वो क्लिक कर लेना है। हर पार्टी की डिटेल लेने के बाद में हमको सेव हर पार्टी का इंडिविजुअल डिटेल सेव करना है। उसके बाद में टेनेंट की डिटेल पे हम क्लिक करते हैं नाम के आगे और फोटो ले लेंगे। फोटो पे क्लिक करने के बाद, कैप्चर करने के बाद सेव इमेज पे क्लिक करेंगे।
सेव इमेज पे क्लिक करने के बाद कैप्चर थंब पे क्लिक करेंगे और इमेज कैप्चर कर लेंगे। अंगूठे का थंब बन के आने के बाद में सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे और इस पार्टी का डिटेल भी सेव कर लेंगे। याद रहे दोस्तों, आप जो भी डिटेल सेव कर रहे हो लास्ट में आप देख रहेंगे वाई वाई बन के आ रहा है, यानी उनका डिटेल यस हो चुका है, और जिसका एन बना हुआ है यानी नो है। अभी हम यहाँ पर पहले विटनेस की डिटेल लेंगे, सेव फोटो एंड थंब पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले फोटो निकाल लेंगे। कैप्चर पे क्लिक कर लेंगे और सेव इमेज पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद कैप्चर थंब पे क्लिक करेंगे, कैप्चर थंब पे क्लिक करने के बाद थंब कैप्चर कर लेंगे। थंब कैप्चर होने के बाद में सेव एंड क्लोज पे आप क्लिक कर लेंगे। सेव एंड क्लोज पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब एक सेकंड विटनेस का डिटेल बचा हुआ है, कैप्चर थंब एंड फोटो पे क्लिक करेंगे, सेकंड विटनेस का फोटो ले लेंगे, कैप्चर पे क्लिक कर लेंगे। फोटो क्लिक करने के बाद कैप्चर थंब पे क्लिक करेंगे, सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लेंगे। थंब भी कैप्चर हो चुका है, अब यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद चारों पार्टी का डिटेल हमको मिल चुका है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे। एग्जिट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप ड्राफ्ट पेज पे आ जाओगे वापस, और नीचे चेक करोगे आप जितनी भी पार्टी का आपने थंब एंड स्कैनर लिया है सबका यहाँ पर थंब एंड स्कैनर शो करेगा। इसके बाद हम यहाँ नीचे एडमिशन पे क्लिक करेंगे। एडमिशन में बेसिकली हमको चारों पार्टी का आधार ऑथेंटिकेशन लेना है। कोई भी एक पार्टी के नाम पे क्लिक करेंगे, उनका यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई, यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद आधार नंबर यहाँ नीचे वेरीफाई ई केवाईसी पे क्लिक करेंगे और पार्टी को फिंगरप्रिंट देने के लिए बोलेंगे। कैप्चर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कैप्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार का डिटेल आ चुका है। ओके पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका आधार का फोटो और आपका नाम और डिटेल्स लिख के आएगा, यानी पार्टी का ऑथेंटिकेशन हो चुका है। बाकी तीनों का भी ऑथेंटिकेशन ऐसे करना है। जी जिसका करना है आपको ऑथेंटिकेशन, आप उस पार्टी के नाम के आगे क्लिक करोगे और यहाँ पर उनका आधार नंबर डालोगे। आधार नंबर डालने के बाद वेरीफाई केवाईसी पे क्लिक करोगे और उसके बाद में जिसका भी आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हो उनको अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस पर रखने के लिए बोलिएगा और कैप्चर पे आप क्लिक कर दोगे। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, आपको एक विंडो बॉक्स बन के आ जाएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई एंड क्लोज पे आप क्लिक कर दोगे, एक ये विंडो आ गई है, थंब मैच हो गया है। अब यहाँ क्लोज पे क्लिक करोगे, फिर आप ऐसे ही सेकेंड पार्टी का डिटेल आप ले लोगे। आई एग्री पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर इनका मेंशन करना है, आधार नंबर यहाँ आप डाल दोगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई ई केवाईसी पे आप क्लिक करोगे। अंगूठा रखने के बाद में कैप्चर पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट कैप्चर हो चुका है, वेरीफाई एंड क्लोज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर लिख के आ चुका है थंब मैच हो चुका है। उसके बाद में एक पार्टी का डिटेल हमारा बचा हुआ है, आई एग्री पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर पार्टी का आधार डिटेल डालोगे। आधार डिटेल डालने के बाद वेरीफाई केवाईसी पे आप क्लिक कर लोगे। वेरीफाई केवाईसी पे क्लिक करने के बाद में फिंगरप्रिंट आप कैप्चर कर लोगे, फिंगरप्रिंट कैप्चर हो गया है, वेरीफाई एंड क्लोज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिख के आ गया डायलॉग बॉक्स में और यहाँ पर उनका आधार डिटेल आ चुका है, यहाँ पर आप एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है तो यहाँ पर हमको सेव करने की ज़रूरत नहीं, एग्जिट पे क्लिक कर लेंगे। फिर से हम ड्राफ्ट पेज पर आ चुके हैं, यहाँ पर नीचे आप देखोगे चारों पार्टीज़ का आधार का डिटेल नीचे आ चुका है, ये फिंगरप्रिंट के नीचे आप देख सकते हैं चारों पार्टी का यहाँ पर आधार वाला फोटो बन के आ चुका है। इसके बाद में हम शो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। शो पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार होगा, वो ड्राफ्ट आपको डाउनलोड कर लेना है।
और आप जहाँ चाहते हो वहाँ सेव कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट विदाउट डिजिटल सिग्नेचर पे आप क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक कर दोगे, फिर से ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा विंडो चालू हो रहा है, इसको बंद कर देंगे। अब फिर से नीचे आओगे, नीचे आने के बाद ओपन सबमिटेड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर फिर से वही ड्राफ्ट डाउनलोड हो रहा है, तो वापस से आपको डाउनलोड नहीं करना है, कैंसिल कर दोगे इसको। फिर से आप नीचे आओगे और यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन जो दिख रहा है, फिनिश पे आप क्लिक कर दोगे, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको फिर से आईजीआर की वेबसाइट पर आना है और अपना टोकन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा सेम डालना है और व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है। व्यू स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं व्यू डॉक्यूमेंट रिसिप्ट और इंडेक्स आ गया है। व्यू डॉक्यूमेंट में आपका एग्रीमेंट है, आप क्लिक कर लोगे, क्लिक करके आपको जहाँ डाउनलोड करना है वहाँ पर आप सेव कर लोगे, सेव पे क्लिक कर दोगे, रिसिप्ट डाउनलोड कर लोगे, रिसिप्ट भी सेव कर लोगे और इंडेक्स डाउनलोड कर लोगे, इंडेक्स भी सेव कर लोगे और इसको आप प्रिंट आउट मार के अपने पास रख सकते हो। दोस्तों याद रहे, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद कभी कभी डॉक्यूमेंट सेम डे आ जाता है ऑनलाइन, आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। आपको बार बार यहाँ पर आपका टोकन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको चेक करते रहना पड़ेगा। कभी कभी 2 दिन भी लगता है, कभी कभी 3 दिन भी लगता है और कुछ कुछ केसेस में 7 से 10 दिन भी लगता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जी नए हो तो हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।